आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस सी हरे मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर देख लेते हैं आज मैंने आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर की है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है और उसमें 2 चम्मच के अराउंड तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ये सरसों का तेल ले रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो वो ले लीजिए यहाँ पर। और इसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी इलायची, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और यहाँ पे मैंने ये 1/2 चम्मच जीरा लिया है वो ऐड कर देंगे। मसालों को हल्का सा रोस्ट होने देंगे। खड़े मसाले यहाँ पे रोस्ट हो गए हैं और अब इसमें ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इस रेसिपी में लाल मिर्च का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए हरी मिर्च का प्रपोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अगर आप लाल मिर्च यूज़ करना चाहें तो हरी मिर्च का प्रपोर्शन जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और अब इस स्टेज पे इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये 10-12 लहसुन की कलियां हैं ये, और थोड़े से धनिया की पत्ती, इनको मोटा मोटा सा क्रश कर लेना है और वो ऐड करना है। इस तरह से इसको मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे और ये इसमें ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा भून लेना है। यहाँ पे ये मसाले जो हैं वो भून गए हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 पिंच हल्दी लिया है, बिल्कुल इतना ही ऐड करिएगा, ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच धनिया का पाउडर है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच पावाजी मसाला है और ये 1/2 चम्मच सांभर मसाला है। ये सारे मसाले ज़रूर ऐड करिएगा, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा रेसिपी को। और इसको अच्छे से भून लेना है और इसमें 2 चम्मच के अराउंड पानी ऐड कर देंगे जिससे मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं और अच्छे से भुन जाएंगे। मसालों को हमें अच्छे से भून के तैयार करना है और यहाँ पे ये मसाले जो हैं वो भुन गए हैं। अब इसमें ये मैंने 1.5 कप मटर लिया है और इसको इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा क्रश कर लिया है वो ऐड कर देंगे। हल्का सा मोटा ही पीसी है इसको, तभी इस रेसिपी का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। और अब इसको अच्छे से मसालों के साथ भून लेना है और जैसा कि आप देख रहे होंगे आपको कुछ मटर जो है वो खड़े भी दिख रहे होंगे, तो इसी तरह से हल्का सा दरदरा इसको पीस लेना है और मीडियम गैस पे इसको भून के रेडी करिए। और साथ में ये 1/4 चम्मच हींग का पाउडर ऐड कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मटर जो है वो बिल्कुल भून चुके हैं, इनका मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये देखिए ये बिल्कुल बेस को एकदम छोड़ दे रहे हैं, यानी हमारा मटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ, 1 कप 2। और अभी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और अब इसमें 1 बॉयल आने देंगे। और जब तक इसमें बॉयल आ रहा है तब तक इसको दूसरे तरफ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। थोड़े से वेजिटेबल्स जो हैं उनको सौते करने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच घी लिया है, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1/2 चम्मच लीजिए। यहाँ पे हमारा घी जो है वो गर्म हो गया है और अब इसमें मैंने यहाँ पे थोड़े से मिक्स वेज लिए, उसमें मैंने 1/2 कप के करीब फूल गोभी लिया है, गाजर लिया है, 1 गाजर है, 1 छोटा सा आलू है जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, हरी मटर है और 1/2 शिमला मिर्च है, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है छोटे टुकड़ों में। सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे कट किया है, अब इसको ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई करते समय गैस का आंच जो है वो थोड़ा सा तेज रखेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। और अभी इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर देंगे जिससे सब्जियों में भी हल्का सा नमक जो है वैसा अंदर तक चला जाए। और अब यहाँ पे मैंने ये 1 कप बासमती चावल लिया है वो ऐड कर देंगे। इसकी जगह आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, जो आप घर में यूज़ करते हैं रेगुलर वो यूज़ कर लीजिए। और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है इन वेजिटेबल्स के साथ। चावल को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चावल भी हमारे फ्राई हो गए हैं, अब गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे देखिए इसमें बॉयल जो है वो आना शुरू हो गया है। इस पर जो हमने ये चावल और वेजिटेबल्स को फ्राई करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे खिचड़ी बना रहे हैं तो पानी की कंसिस्टेंसी जो है वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसमें 1 कप पानी मैं और ऐड कर दे रही हूँ। अब ये कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट है,
अगर आप थोड़ी और पतली खिचड़ी पसंद करते हो तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे और ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के लिए 4 कप पानी यूज़ किया है। यहाँ पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, चेक करके एडजस्ट कर लीजिए। और अब इसको ढक्कन लगा के 1 प्रेशर तक कुक कर लेना है। इसको 1 प्रेशर तक कुक करना है और 1 प्रेशर आने के बाद प्रेशर को खुद से रिलीज होने देना है। आपको प्रेशर निकालना नहीं है, इसको खुद से रिलीज होने दीजिए, जिससे जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर है उससे आपकी खिचड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। 1 प्रेशर आ गया है, गैस को ऑफ कर देंगे और जब तक प्रेशर रिलीज हो रहा है तब तक खिचड़ी के लिए तड़का बना के तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने सेम पैन लिया है, मैंने वेजिटेबल को सौते किया था, अभी उसमें घी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच घी ऐड कर लीजिए, क्योंकि खिचड़ी है तो बिना घी के स्वादिष्ट नहीं लगती, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। और अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारा जीरा जो है वो क्रैकल हो गया है। अब इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। मिर्च का प्रपोर्शन आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से रखिए। और यहाँ पे 5 से 6 कलियाँ लहसुन के लिए हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। और अब इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड कर देंगे। फिर मैंने हरा प्याज लिया है तो उसका ये सफ़ेद पोर्शन है, और साथ में 1 नॉर्मल प्याज है जिसको कि मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, छोटा सा प्याज था। प्याज को बिल्कुल गोल्डन कलर का भून के तैयार कर लेना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इसमें ये प्याज का जो हरा पोर्शन था वो भी ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा भून लेना है। अभी मार्केट में हरे प्याज जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, तो अभी जितना से जितना आप उसका यूज़ कर लीजिए। तो इसको भी हल्का सा और भून लेना है। और यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 छोटे से टमाटर को मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसमें 1 बॉयल आने देना है। ये हमारा तड़का जो है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे तड़के में बॉयल आ गया है, तड़का जो है वो रेडी हो गया है। हमें टोमेटोज को ज़्यादा मैश नहीं करना है, इसी तरह से खड़े ही रहने देना है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और खिचड़ी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए 1 प्रेशर में खिचड़ी जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक गई है, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, अगर आपको इससे ज़्यादा पतली पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी ये गरम गरम खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें ये जो तड़का है वो ऐड कर देंगे। और तड़के को अच्छे से मिक्स करने के बाद खिचड़ी में 1 बॉयल आने देंगे, जिससे अच्छे से तड़के का फ्लेवर जो है वो खिचड़ी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। खिचड़ी को मैंने तड़का डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए इस तरह से खोला लिया है। और आप इस तरह से हल्का से इसको मैश भी कर दीजिए, जिससे खिचड़ी का जो है प्रॉपर टेक्सचर आ जाता है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे ये 1 नींबू का रस और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। खिचड़ी को मैंने यहाँ पे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और अब उसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और बस खिचड़ी रेडी है। इसको पापड़, दही, अचार किसी के साथ भी एंजॉय करिए, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो एक बार इस सीज़न में इस खिचड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।